नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। यूपी में अवैध धर्मांतरण का है बीड़ कनेक्शन, मामले में अब तक नए नए खुलासे। रिश्वत लेते पकड़े गए मोहदा के पटवारी और कोतवाल, दोनों गिरफ्तार। देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण मामले में बीड़ कनेक्शन का खुलासा हुआ है। इस मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों से एक परली तालुका के सिरसाला का रहने वाला है। पकड़े गए आरोपी का नाम इरफान खान बताया जा रहा है। यह मामला यूपी में 3000 मूकबधिर छात्रों के धर्म परिवर्तन से जुड़ा है। यूपी एटीएस ने अवैध धर्म परिवर्तन के मामले में जिस इरफान को गिरफ्तार किया है वह परली तालुका के सिरसाला का रहने वाला है। उसने प्राथमिक शिक्षा सिरसाला में ही हासिल की थी। पहले 8 साल से वो दिल्ली में रह रहा था, जहां इरफान दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर में इंटरप्रेटर का काम करता था। उनके जानने वालों का कहना है कि वो मूक बधिर छात्रों के लिए काम करता था। कुछ दिन पहले ही इरफान के पिता का निधन हो गया। इरफान के परिवार में उसकी माँ और 2 भाई हैं। ससुर परली के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि मूक बधिरों के बीच इरफान की अच्छी पकड़ है। उनमें लालच देकर धर्मांतरण के लिए तैयार किया जाता है। इस काम में उमर नामक शख्स मदद करता था, मूक बधिरों का डेटा बताया जाता था। राहुल नामक शख्स भी इरफान की मदद करता था। उमर ने निजी परिवार वालों और फातिमा चैरिटेबल ट्रस्ट के बैंक खातों में विदेश से रकम ट्रांसफर करवाई। इस्लामिक दवा सेंटर के बैंक खाते से 50 लाख बरामद किए गए। असम की संस्था बारकाजुल मारिफ से बड़ी रकम मिली, 1 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुआ। अवैध धर्मांतरण के लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा था, साथ ही बच्चों का ब्रेन वॉश करने कोडवर्ड तैयार किए गए थे। एटीएस ने साथ में से 6 कोडवर्ड को डिकोड कर अवैध धर्मांतरण से जुड़ी जांच आगे बढ़ा दी है, जिसके तहत यूपी के 32 जिलों समेत देश के 24 राज्यों में छापामारी कार्रवाई चल रही है। एटीएस ने बीड़ में रहने वाले इरफान शेख को गिरफ्तार कर कड़ी पूछताछ शुरू कर दी है। तो दूसरी खबर, मोहदा के पटवारी और कोतवाल तथा उनके एक करीबी को 7000 रुपए की रिश्वत लेते भंडारा के एसीबी दस्ते ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में तारसा तहसील मोहदा के पटवारी संजय भगवान पड़वार, कोतवाल बिशन वानखेड़े और करीबी व्यक्ति लक्ष्मी नारायण रामचंद्र पोट भरे है। नागपुर एसीबी के अधीक्षक रश्मि नांदेड़कर, अपर पुलिस अधीक्षक मिलिंद तोतरे के मार्गदर्शन में भंडारा एसीबी के उप अधीक्षक महेश चाटे, पुलिस निरीक्षक योगेश्वर पारधी व सहयोगियों ने कार्रवाई की। जमीन के दस्तावेज के लिए मांगे थे 8000 रुपए। एसीबी से जुड़े सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर शिकायतकर्ता पीड़ित व्यक्ति भंडारा के गांधीवाड़ का रहने वाला है। जून 2021 में मोजा तारसा मोदा जिला नागपुर में उसने खेती खरीदी और जमीन का फेर बदल कर पंजीयन करने के लिए सभी दस्तावेज के साथ पटवारी कार्यालय तारसा में पटवारी संजय भगवान पटवार के पास आवेदन किया। 28 जून को पटवारी संजय पटवार ने फोन पर कहा कि इसमें करीब 8000 रुपए खर्च लगेगा। शिकायतकर्ता ने भंडारा एसीबी कार्यालय में पटवारी संजय पटवार के खिलाफ इसकी शिकायत की थी। इसी के साथ आज के खास समाचार को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव। नमस्कार।